नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ट्रबल शूट मोटर रन फीडबैक, यानी मोटर को स्टार्ट कमांड दे दिए लेकिन मोटर का रन फीडबैक कंट्रोल रूम में शो नहीं कर रहा है। ज़्यादातर इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मोटर का स्टार्ट कमांड दे दिया लेकिन कंट्रोल रूम में उसका रन फीडबैक शो नहीं कर रहा है। रन फीडबैक शो नहीं कर रहा है मतलब इसका है कि मोटर चल रहा है या मोटर बंद हो गया, उनका स्टेटस उनको पता नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मोटर स्टार्ट कर दिए, फिजिकली मोटर चल रहा होगा लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ भी इंडिकेशन नहीं शो कर रहा होगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मोटर चल रहा है या मोटर बंद है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि रन फीडबैक इतना क्यों नेसेसरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है। ज़्यादातर मोटर का हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री में ज़्यादातर मोटर का हम लोग या तो लोकल पुश बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल रूम से स्टार्ट कमांड देके मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोटर का स्टेटस को दिखाने के लिए कि मोटर चल रहा है या मोटर बंद है, उसके लिए एक रन इंडिकेशन लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों, मोटर फीडर में एक रन इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है। तो मोटर फीडर के पास अगर आप जाएंगे तो उसी इंडिकेशन लैंप को देख के आप पता कर सकते हैं कि मोटर चल रहा है या मोटर बंद है। और सिमिलरली कंट्रोल रूम से अगर स्टार्ट कमांड दे रहे हैं तो उनको भी यही फीडबैक दिखाई देना चाहिए, को भी पता चलना चाहिए कि मोटर को तो स्टार्ट कमांड दे दिए लेकिन एक्चुअली मोटर चल रहा है या मोटर बंद हो गया है। तो वहाँ पे भी एक रन इंडिकेशन दिया जाता है दोस्तों। कहाँ पे दिया जाता है, उनका HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस, उनका कंप्यूटर के ऊपर एक रन इंडिकेशन दिया जाता है। जिस भी मोटर को स्टार्ट करते हैं उसी मोटर का एक रन इंडिकेशन वहाँ पे शो करता है, जिससे उनको पता चलता है कि मोटर का एक्चुअल स्टेटस क्या है, मोटर चल रहा है या मोटर बंद है। रन फीडबैक के साथ साथ करंट का फीडबैक और ड्राइव हेल्दी है या ट्रिप हो गया है उसका भी फीडबैक कंट्रोल रूम में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कंट्रोल रूम में जो बैठे होंगे जो ऑपरेटर लोग, वो इंडिकेशन को देख के पता कर लेते हैं कि मोटर ट्रिप हो गया या मोटर का करंट ज़्यादा ले रहा है। सारे इंडिकेशन उनको शो करता है दोस्तों। जब भी मोटर ट्रिप करता है तो तुरंत ही वो लोग कंप्लेन करते हैं कि मोटर ट्रिप हो गया। तो इसलिए दोस्तों कंट्रोल रूम में भी फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, उनको ये रन फीडबैक शो नहीं करता है, मोटर का स्टार्ट कमांड दे दिए लेकिन उनको रन फीडबैक शो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। फिजिकली जाके मोटर के पास जाके देखते हैं कि एक्चुअली मोटर चल रहा है या मोटर बंद हो गया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी टाइम आता है दोस्तों, जब वो लोकल में जाके देखते हैं कि मोटर चल रहा है लेकिन उनको रन फीडबैक बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों, रन फीडबैक का इशू सबसे ज़्यादा आता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे मैं जितना सारा वीडियो लाऊं, ज़्यादातर मैं वीडियो दोस्तों इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, यानी इंडस्ट्री में आप जितना सारा इक्विपमेंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, VFD, PLC, ESP, होस्ट, क्रेन, ब्रेकर, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो भी एक ट्रबल शूटिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर है, आप कैसे उसको ट्रबल शूटिंग करेंगे, अगर रन फीडबैक शो नहीं कर रहा है तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और आप उसे कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी रन फीडबैक का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्टैक्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्टैक्टर पिकअप नहीं कर रहा होगा, नहीं तो कॉन्टैक्टर उसका जो NO कॉन्टैक्ट है दोस्तों, NO कॉन्टैक्ट NC नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रन फीडबैक कौन सा कॉन्टैक्टर से जाता है, ये सबसे पहले आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो ड्राइंग को देख के आपको ये फाइंड आउट करना है कि रन फीडबैक कौन सा कॉन्टैक्टर से जा रहा है। हो सकता है मेन कॉन्टैक्टर से जा रहा होगा या उसके लिए सेपरेट रन फीडबैक का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगाया गया होगा रन फीडबैक के लिए। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके बाद वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा और उसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर से रन फीडबैक PLC में जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रूम में जो रन फीडबैक शो करता है दोस्तों उसके लिए PLC का ज़रूरत होता है, PLC पैनल लगा होता है आपका मॉड्यूल से। सबसे पहले वो रन फीडबैक PLC पैनल में जाएगा, फिर PLC पैनल से
वो रन फीडबैक कंप्यूटर में शो करेगा दोस्तों। और कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए उसके लिए भी एक ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है, यानी कंट्रोल रूम से जो स्टार्ट कमांड देंगे सबसे पहले वो छोटा वाला ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, और जो मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद मोटर स्टार्ट होगा। तो ये भी आपको देखना है कि आपका ड्राइंग में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए अगर छोटा सा ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे होगा तो आपको ये भी देखना है कि वो छोटा सा ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले जब स्टार्ट कमांड देंगे तो ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, उसी ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद रन फीडबैक का जो ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, यानी ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ काम करता है। हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर ना हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है दोस्तों, मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए एक छोटा सा ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर, और फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होने के बाद रन फीडबैक के लिए, रन इंडिकेशन के लिए एक छोटा सा ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है। तो ये तीन कॉन्ट्रैक्टर को आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेकिंग करेंगे? अगर आपको एक बार पता चल गया कि आपका कॉन्ट्रैक्टर ख़राब है तो आपको क्या करना है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर देना है, या कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट अगर चेंजओवर नहीं हो रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर देना है। लेकिन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्टर ख़राब है, तो ये चेकिंग आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो दोस्तों पावर फ्यूज को निकाल दीजिए। पावर फ्यूज निकालने के बाद आइसोलेटर को ऑन कीजिए। आइसोलेटर ऑन कीजिए, लेकिन जो पैनल का डोर है दोस्तों उसको भी आपको ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फिजिकल देखेंगे कि एक्चुअली आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ख़राब है। अगर आपका तीन कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे है, एक रन फीडबैक के लिए कॉन्ट्रैक्टर है ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर, एक पीएलसी स्टार्ट के लिए एक छोटा सा ऑक्जिलरी कॉन्ट्रैक्टर है, और एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो तीनों कॉन्ट्रैक्टर को देखने के लिए आपको पैनल का डोर को ओपन रखना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप तो पावर फ्यूज निकाल दिए हैं, कंट्रोल फ्यूज रहने दीजिए, क्योंकि कंट्रोल सप्लाई देके ही आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे। तो कैसे ऑन करेंगे, जैसे ही आप फॉल्ट आता है दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक छोटा सा शॉर्ट लिंक लेते हैं, छोटा सा वायर लेके आप टीबी टू टीबी शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्टर को चेक करते हैं। तो सिमिलरली आप लोग छोटा सा शॉर्ट लिंक लीजिए, शॉर्ट लिंक से मोटर को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमने तो पावर फ्यूज को निकाल दिया है, बस कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे, स्लाइडिंग टीवी से आप लोग शॉर्टिंग करेंगे, तो अभी आपको देखना है कि कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है और कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपका तीनों कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है, अभी आपको चेक करना है कि आपका रॉन फीडबैक कौन सा कॉन्ट्रैक्टर से जा रहा है, और ओ वाला जो एनओ कॉन्ट्रैक्ट है, एनओ कॉन्ट्रैक्ट एनसी में चेंज ओवर हो रहा है कि नहीं, ये आपको चेकिंग करना है। अगर मान लीजिए तीनों कॉन्ट्रैक्टर सही ऑन हो रहा है फिर भी आपका रॉन फीडबैक शो नहीं कर रहा है, जैसे ही आपका रॉन फीडबैक का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा तो कंट्रोल रूम में शो करना चाहिए। पहले से कंट्रोल रूम में बता दीजिए कि हम लोग मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं पावर फ्यूज निकाल के, नहीं तो अगर उनको रॉन फीडबैक दिखाई देगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे कि क्या हुआ जो रॉन फीडबैक दिखाई दे रहा है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्ट लिंक लगा के ऑन कीजिए और कॉन्ट्रैक्टर का एनओ कॉन्ट्रैक्ट को चेकिंग कीजिए। अभी आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्टर ख़राब है, किसका कॉन्ट्रैक्ट चेंजओवर नहीं हो रहा है। जिसका कॉन्ट्रैक्टर चेंजओवर नहीं हो रहा होगा उसी को रिप्लेस कर दें। लेकिन मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, आपने स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट लिंक लगाया, वहाँ पे सप्लाई था, शॉर्ट लिंक लगाया, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं हो रहा है, तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, उसका कॉयल में सप्लाई मेजर करना है, कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल में सप्लाई मेजर करना है कि सप्लाई वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं, जितना वोल्टेज आना चाहिए उतना वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए वोल्टेज वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जीरो वोल्टेज शो कर रहा है, तो आपको समझ लेना है कि स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट मिसमैचिंग कर रहा है। तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल को रैक आउट कर दीजिए, दोबारा इसको रैक इन कीजिए, उसका सही पोजीशन पे उसको रखिए। ये होने के बाद आप देखेंगे स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट का जितना मिसमैचिंग था, मिसमैचिंग सही हो गया, अभी परफेक्टली मैच कर रहा है। स्लाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा होगा तो सप्लाई नहीं आएगा दोस्तों, तो ये भी आपको इंश्योर करना है।
और मॉड्यूल को प्रॉपर रैकिन कर देना है। आपने चेक कर लिया आपका कॉन्टैक्टर सही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रूम में रॉन्ग फीडबैक शो नहीं कर रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? पीएलसी सप्लाई नहीं आ रहा होगा, यानी पीएलसी से जो रॉन्ग फीडबैक का सप्लाई आना चाहिए, एक सप्लाई आएगा जब आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तो वो सप्लाई NO कॉन्टैक्ट NC होके पीएलसी इनपुट में जाके लगेगा। तो आपको सप्लाई को चेक करना है। सप्लाई को कहाँ चेक करेंगे? पीएलसी फ्यूज़ में चेक कीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, पीएलसी में आप कैसे चेक करेंगे, पीएलसी एड्रेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वाला ओयर कहाँ लगा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। आप मेरा पुराना वीडियो को देखिए, पीएलसी प्लेलिस्ट का जितना सारा वीडियो है सारे वीडियो को देखिए, आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो पीएलसी फ्यूज के पास आपको जाके पीएलसी फ्यूज को चेक करना है। उसके बाद पीएलसी जो रॉन फीडबैक का टीवी है दोस्तों, दोनों टीवी में आप शॉर्टलिंग लगाइए। जैसे ही आप शॉर्टलिंग लगाएंगे तो क्या होगा, सप्लाई वहाँ पे थ्रो होगा, तो उसी समय ही आपका रॉन फीडबैक शो करना चाहिए कंट्रोल रूम में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ आपको चेक करना है, लगता है वहाँ पे ओयर थोड़ा लूज हो, तो आपको टीवी का टाइटनेस भी एक बार चेक कर लेना है। तो ये हो गया दोस्तों पीएलसी टीवी में आप क्या कर सकते हैं। वहाँ पे टाइटनेस चेक कीजिए, वहाँ पे पीएलसी फ्यूज को चेक कीजिए, और वहाँ पे शॉर्टिंग करके देखिए कि कंट्रोल रूम में रॉन फीडबैक शो कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए शॉर्टिंग करके देखा और वहाँ पे आपका रॉन फीडबैक शो नहीं कर रहा है, उसके बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पीएलसी चैनल का प्रॉब्लम हो सकता है या पीएलसी इनपुट कार्ड ख़राब हो सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाला ओयर कहाँ लगा है, उसके लिए एक पीएलसी चार्ट रहता है दोस्तों, पीएलसी चार्ट को देख के ही आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा वाला टीवी में कौन सा वाला ओयर लगा है। और आपको रॉन फीडबैक को चेक करना है तो रॉन फीडबैक का रेस्पेक्टिव इनपुट कार्ड एंड चैनल आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और अभी आप चेक करेंगे कि आपका जो पीएलसी कार्ड है, पीएलसी कार्ड खराब है या पीएलसी कार्ड सही है, कैसे पता करेंगे दोस्तों? आप पीएलसी का जो इनपुट टीवी है वहाँ पे शॉर्टलिंग करके देखिए, शॉर्टलिंग का ओयर को वहाँ पे लगा के देखिए। जैसे ही वहाँ पे सप्लाई थ्रो होगा तो आप देखेंगे इनपुट कार्ड का जो रेस्पेक्टिव चैनल है दोस्तों, वहाँ पे उसका लैंप ग्लो करेगा, जो एलईडी वहाँ पे लगा होगा एलईडी ग्लो करेगा। जैसे ही आप शॉर्टलिंग लगाएंगे तो एलईडी ग्लो करना चाहिए। मान लीजिए शॉर्टलिंग लगाने के बाद आपने देखा कि एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, या शॉर्टलिंग को निकाल देने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहा है, तो ये कंडीशन है दोस्तों वो कार्ड खराब हो गया होगा। ये कंडीशन में आपको समझ जाना है कि इनपुट कार्ड खराब हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इनपुट कार्ड को रिप्लेस करना है, नहीं तो पीएलसी का जो इनपुट चैनल है दोस्तों उसी चैनल को आप स्पेयर चैनल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ करने से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।